यूपी के डीजीपी ओपी सिंह 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए उनके कार्यकाल पर एक नजर डालते हैं। तो ओपी सिंह 3 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में डीजीपी का पद जब उन्होंने संभाला, वहीं राज्य में अपराध को कम करने के लिए उनको जाना जाता है। यूपी कॉप को लॉन्च करने वाला पहला राज्य यूपी बना है और महिला की अहम जिम्मेदारी उसमें उनकी रही है। 5 लाख अपराधियों का डाटाबेस अब तक बनाया गया है। तो यूपी में अपराध के ग्राफ में कमी आई है, जिसको लेकर प्रतिबद्धता यहां पर ओपी सिंह के जरिए दिखाई गई थी। वहीं कुंभ मेला 2019 के सफल सुरक्षा प्रबंधों के लिए भी उनको जाना जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या मामले को लेकर पूरे सूबे में कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाला गया। लोकसभा के चुनाव बिना किसी झंझट के खत्म हुए, ये एक अहम जिम्मेदारी भी दी गई। अपराधियों के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें सफलता हाथ लगी है। वहीं जीरो टॉलरेंस नीति, ऑपरेशन रोमियो और ऑपरेशन क्लीन प्रमुख है। करीब 3000 एनकाउंटर हुए, 70 से ज्यादा अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। इसके साथ ही इनके कार्यकाल में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है।